हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सो आज से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वो क्लास नंबर 1 रहने वाली है मैथमेटिक्स की, जो कि जनरल सेक्शन का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर आपके लिए कंफर्म करने की कोशिश करूंगी। आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाऊंगी जिनको आपने कम्प्लीट देखना है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको भी अपने लेवल पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारे करने हैं ताकि ये नंबर आपके कन्फर्म हो जाए, क्योंकि ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और जिनको मैथमेटिक्स आता है उनके लिए तो ये और इजी में बनाने की कोशिश करूंगी। साथ ही जिनका बेस मैथमेटिक्स नहीं है, जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए भी बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करी है मैंने, ताकि आपका डर यहाँ पर खत्म हो मैथमेटिक्स को लेकर के। ठीक है, तो आप एक क्लास जरूर देखिएगा, सभी के लिए है, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो, ठीक है, सभी के लिए। और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। ठीक है, विभाजकता के जो नियम है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ फॉर्मूला होते हैं नंबर सिस्टम में जिनके ऊपर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ हम इन चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, ये मैं भूल गई हूँ, ये लाइव मुझे नहीं लेना था, वैसे लाइव ही सेट करना था मुझे, लेकिन तबीयत इतनी नहीं अच्छी है कि मैं लाइव ले पाऊँ, तो इसको मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रही हूँ। ठीक है, बाकी भविष्य में जो क्लासेज आएंगी वो आपकी लाइव लेने की कोशिश करूंगे। चलिए, तो रियल नंबर, सबसे पहले तो आपको ना नंबर सिस्टम के अंदर कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है, तो आपको ये नंबर्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भाई होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं जिनको पूर्णांक बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपको पता रहने चाहिए। देखो, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो बेसिक से पढ़ते हैं। देखो, एक आता आपका नेचुरल नंबर, जिनको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या ऐसे नंबर को बोला जाता है जो कि एक से लेकर के और अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक, जिसका कोई भी एंड नहीं है, उसमें जीरो शामिल नहीं होता है, वन से इंफिनिटी, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो इंटीजर, सॉरी इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर को काउंट करते हैं अपने अंदर, लेकिन होल नंबर में आपका जीरो भी शामिल हो जाता है। यानी कि जब भी मैं होल नंबर की यहां पर बात करती हूं तो ये मेरा जीरो से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो जीरो आपका नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता, होल नंबर में आपका जीरो काउंट होता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स एंड आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं? ये सब आपके इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, आपने वो स्केल ऐसे देखा होगा ना, ये जीरो से स्टार्ट होता है, इससे इधर वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इससे इधर वाले सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फिर ठीक है, फिर चाहे नंबर कोई भी हो, ठीक है, तो आपके क्या है, ये इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर शामिल हो जाते हैं। फिर इन सभी को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर्स को, इन सभी को रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो रेशियो में होते हैं, जो अनुपात की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनको अपॉन में करके लिखा जाता है वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। अब इसमें जो क्यू है वो आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। तो जो क्यू है ये आपका, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेकर के चलूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगी। ठीक है, चलेगा। चलिए, हम बात करें रैशनल नंबर की, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसमें अब आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं, जैसे लेट्स से 5/3। ठीक है, 5/3 है, 7/2 है। ठीक है, इसके अलावा आपके 3/8, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके अनुपात की फॉर्म में हो, रेशियो की फॉर्म में हो, वो नंबर आपके क्या होते हैं? वो नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर आता है एक इरैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, इरैशनल नंबर के अंदर ये सब काउंट नहीं होता, ये सब आपका रैशनल में आता है। इरैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ये नहीं लिखे जाते, इनका कोई भी अनुपात नहीं होता है। ये ऐसे नंबर्स होते हैं, इनको आप मान लो डिवाइड भी करोगे, पॉइंट्स में भी लेकर के चले जाओगे, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिपीट भी नहीं होते हैं, ये
रिपीट भी नहीं होते हैं. जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू है, ठीक है. आपका अगर बात करूं अंडर रूट फाइव है, अंडर रूट थ्री है, ये नंबर कैसे होते हैं? ये सब नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं. जैसे अगर अंडर रूट टू की बात करूं तो ये समथिंग होता है 1.73 एंड मतलब आगे बहुत सारी इसमें डिजिट आ जाती है, ठीक है. अगर लेट्स से कि इसको हम करके देखते हैं कि 1.73 के बाद आगे आपको बहुत सारी देखने को मिलती है, लाइक 1 हो गया, 2, 5, 4 समथिंग ऐसे, है ना. एग्जैक्ट नहीं है, मैं जब आपको बता रही हूँ कि 1.73 से स्टार्ट होता है. लेकिन देखो ये जो है वो आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है. और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा पैटर्न आप यहाँ पर नहीं बता सकते हो कि भाई रिपीट पे हो रहा हो. जैसे रिपीट का ये होता है, मान लो कोई भी नंबर है 2.43, 432, फिर 432 आ जाए, फिर 432 आ जाए, तो ऐसे नहीं हो रहा. तो इसलिए बोला जाता है ये नंबर आपके ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये आपके रिपीट होते हैं, तो वो नंबर आपके इरेशनल नंबर कहे जाते हैं. जैसे आपका पाई भी है भाई यहाँ पर 3.14, ठीक है. ये आगे भी बहुत सारा चलता है लेकिन हम इसको इतना ही ले लेते हैं. अंडर रूट फाइव है, ये भी सेम है. अंडर रूट थ्री है, ये भी सेम है. लेकिन अंडर रूट फोर नहीं होता, अंडर रूट फोर इरेशनल नंबर नहीं होता है. सारे अंडर रूट नहीं होते हैं क्योंकि अंडर रूट फोर की वैल्यू 2 होती है, पता है सभी को. 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो कट जाएगा इससे, ठीक है. तो ये क्या है? 2 है. तो ये आपका इरेशनल नहीं है, ये आपका रैशनल में आ जाएगा. अंडर रूट 4 हुआ, अंडर रूट 9 हुआ, 16 हुआ, अंडर रूट 25 हुआ, ये किस में आ जाएगा? ये आपका रैशनल में आ जाएगा. इरेशनल में वही नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं और जो आपके टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे. और ये जो रैशनल इरेशनल है, इन सभी नंबर को रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है. तो ये आप कुछ नंबर्स यहाँ पर पता होने चाहिए है. इसके अलावा यहाँ पर आपको प्राइम नंबर समझने हैं और कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड. प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है. और ये आपकी होती है कौन सी? भाज्य संख्या, ठीक है. तो ये ध्यान में रखेंगे. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ या तो खुद से अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं. इसके अलावा और वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है. और सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 1 नहीं होता है, वो क्या होता है? वो 2 होता है, ठीक है. अब आप कहेंगे 2 तो इवन नंबर होता है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है. सम अभाज्य संख्या होती है, 2 एकमात्र ऐसा नंबर है, ठीक है. इस चलिए 2 होता है. फिर अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 2 हो गया, 1 नहीं होता है, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है. 11 हो गया, तो ये वो नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर इन खुद के नंबर से डिवाइड होंगे. जैसे अगर बात करें 11 की, तो 11 का जो डिवाइड करने वाला वो सिर्फ 1 है या फिर वो खुद 11 से भाग हो सकता है, इसके अलावा और किसी से भी भाग नहीं हो सकता. 9 मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 9 1 से भी भाग हो जाता है, 9 से भी भाग हो जाता है, लेकिन 3 से भी तो भाग हो जाता है ना, तो इसलिए 9 यहाँ पर नहीं आएगा. तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 या खुद से ही भाग होते हैं. फिर बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की. तो वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है. वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है. ये चीज ध्यान में रखिएगा. अब कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 8, ठीक है. 8 है. अब 8 जो है आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी. तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा, तो वो आपके कौन से नंबर होते हैं? वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं. ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है. 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर है, ना ही वो आपका कौन सा है, ना ही वो आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, क्योंकि वो खुद से ही भाग होता है और इसके अलावा किसी से भाग नहीं होता है. 2 सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. ये चीजें आपको इतनी ज्यादा समझ में आई. अब चलते हैं नेक्स्ट. अब देखो थोड़ा सा चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लेना इसको, क्योंकि करने बैठेंगे तो फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा. आपसे कई बार पूछ लेते हैं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 100 तक मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं आपके लिए, और टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है. याद कर लेना इस चीज को, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं. याद कर लेना इसको, ठीक है. अगर पूछा जाए कि डिजिट कितनी बार रिपीट होती है, भाई डिजिट कितनी होती है,
होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। तो 1 से 100 तक अगर पूछा जाए कि मान लो कि 2 कितनी बार आता है 100 तक, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 0 11 बार आता है, 1 21 बार आता है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 20 बार आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगी, इसको आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट ओड नंबर, ओड नंबर वो होता है जो 2 से भाग नहीं होता, विषम संख्या बोलते हैं जिनको, और विषम संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा कौन सा हो गया है, तो ध्यान में रखिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है, क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 है। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कौन सी है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, 2 जो है आपका वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं होता है 2। ठीक है, और 3 भी आपका प्राइम नंबर ही होता है, तो स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो आपका 4 होता है, 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी भाग होती है, 2 से भी भाग होती है, और 4 से भी भाग हो जाती है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, तो इन सब का सम कर लो, 4 + 2 = 6 और + 1 = 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 7 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक से करवा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी इजी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगाए हैं, बाकी जैसे जैसे मैथमेटिक्स करेंगे वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन भी आपके लिए आएंगे। ठीक है, बाकी पीआरटी वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन ही सही रहते हैं। अब एक जो कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो ये एक डिजिट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 25486, इसमें जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, 5 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, 5 की बात, तो 5 जो प्लेस वैल्यू 5 का वो 5, और 5 के सामने जितनी भी डिजिट है वो सब आपने 0 करके लिख देनी है, वह उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और फेस वैल्यू जो डिजिट पूछा है ना वही डिजिट आपका फेस वैल्यू बन जाता है। ये डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे, फेस मतलब चेहरा कहाँ है, ऐसे ध्यान में रखो चेहरा कहाँ है, चेहरा क्या है, 5 चेहरा है, और प्लेस मतलब कितनी जगह पर रखा हुआ है, तो ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये आपका 100 प्लेस, और ये 1000 प्लेस, तो कितने प्लेस पर रखा हुआ है, ये 1000 प्लेस पर रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5000। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन दिया कि 5, 8, 7, 6, इसमें मुझे 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 7 का प्लेस वैल्यू मेरा 7, और 7 के सामने कितना भी डिजिट हो उनको 0 करके लिख देंगे, तो मेरा प्लेस वैल्यू 70 आ जाएगा, फेस वैल्यू मेरा 7 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। 8 का पूछूं तो प्लेस वैल्यू मेरा 800 हो जाएगा, और फेस वैल्यू मेरा 8 हो जाएगा। समझ में आए चीजें, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है, फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ये सब सेम है। अगर आपसे ये पूछा जाए भाई फेस वैल्यू ही आपका लोकल है, आपका वही रियल वैल्यू, वही एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, इतनी चीज यहां से आप क्लियर हुई। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4s इन द गिवन नंबर, यहाँ पर आपको 2 4 लिख करके दिए गए हैं। ठीक है भाई, 4 आपके 2 टाइम्स लिखे गए हैं, तो इन दोनों 4 वैल्यू का प्लेस वैल्यू निकाल के उनको आपने सम करना है। तो इनकी जो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 4, आगे कुछ भी नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगी। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, है ना, क्योंकि आगे 2 0 है, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 404। तो मेरा ये कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा इसको और मैं जूम कर देती हूँ, अगर बाय चांस आपको ना दिखाई दे। ठीक है भाई, थोड़ा इग्नोर करना, तबीयत मेरी अभी फिलहाल इतनी ठीक नहीं हुई है। ठीक है, बट क्लास लेनी बहुत जरूरी थी, 2 दिन का गैप लग गया है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो जितने भी आपको 3 6 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सबका प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो 1 6 तो एंड का है, ये रहा, 1 6 आपका 2 0 बाद का है, ये रहा, 1 6 आपका 4 0 बाद का है। तो ये वही वैल्यू हो गई जो वैल्यू ऊपर लिखी है, है ना, ये वही वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट आपका 3 है और 8 है। अब प्लेस वैल्यू मुझे बतानी है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3000, और 8 का क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि जितनी डिजिट है उतना आपने 0 लिख देनी है। तो ये 3080 मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 और 4, 9 और 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 900 और ये 4, भाई 904 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो कुछ भी नहीं है इसमें, फेस वैल्यू पूछा है 4 का, तो ऑब्वियसली बात है फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू तो 4 ही आएगा। प्लेस वैल्यू में आपने 0 लगानी है, फेस वैल्यू में 0 नहीं लगानी है। इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुई। अब कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिन पर आपसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम को 2 से 3 पार्ट्स में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, 2 से 3 पार्ट्स में। ऐसे मत सोचना कि इतना करा दिया तो नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, जैसे सम ऑफ एन ओड नंबर। यहाँ पर कुछ आपसे नंबर लिखे रहेंगे जो कि ओड नंबर होंगे, उनका सम आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ एन ओड नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर, यानी फर्स्ट होता है ये, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नंबर। तो ये जो है आपसे ये इनका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओड नंबर का एन स्क्वायर होता है, इवन नंबर एन प्लस एन एन प्लस वन होता है, और जो नेचुरल नंबर है वो n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। स्क्वायर में जब भी करते हैं तो n n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 आ जाएगा, और क्यूब में इसके नीचे फिर स्क्वायर करके और कंप्लीट इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपने बिल्कुल याद में रखने हैं, क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 35 ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 35। जब भी मैं देखती हूं तो मैंने फॉर्मूला देखा था सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर। तो क्या फॉर्मूला था मेरा, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर का एन का स्क्वायर था। एन मेरे पास 35 है, 35 का स्क्वायर, और स्क्वायर आपको करना आना चाहिए ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों की तरह ये करने बैठेंगे कि 5 5 25 होता है, 2 गया, 5 3 15 17, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको ट्रिक बता देती हूँ कैसे हम करते हैं। 13 है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो 25, 3 का स्क्वायर करो 9। समझ में आई इतनी चीजें? एक क्रॉस लगाओ, ठीक है। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 15 को 5 3 15, ठीक है। 15 को क्या करो, 2 से सॉरी डबल कर दो 15 को, तो डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर आप 30 लिख दो, 5 2 9 3 12, 1225 मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ट्रिक से करना है इसको, ठीक है। लेट से मान लो मुझे 25 का निकालना है, तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, एक क्रॉस लगाओ, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 5 2 6 625, ठीक है। ऐसे आपने निकाल लेना ट्रिक के साथ, ठीक है ना। वो करने मत बैठना, बाकी करना हो तो आपकी मर्जी है। किसी का अगर प्रोसेसिंग अच्छा है भाई, फास्ट प्रोसेस अगर आप कर पाते हो तो। 35 का सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ मैथमेटिक्स को लेकर के, इसलिए मैं थोड़े इजी सवाल ला रही हूँ। बाकी पीआरटी और टीजीटी वालों को भी काफी हद तक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पीजीटी में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ये कह रहा है कि 1 से 100 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सम आपने निकालना है। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो एन है वो क्या है, एन मेरा 100 है, क्योंकि मुझे 1 से 100 तक बोला है ना। तो वो जो 100 है वो आपका एन है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा इंटू 100 प्लस 1 101 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 से काटूंगी मैं 50, और इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगी, भाई 0 तो पीछे एक है ही 5 का, ठीक है। उसके बाद 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5, तो 5050 मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना, 1 से 100 तक का आंसर होता है 50 50। अगर मेरे से 101 से 200 पूछ ले तो आ जाएगा 150 50। अगर मेरे से 201 से 300 पूछ ले तो आ जाएगा 250 50, ठीक है। अगर लेट से कि मान लो मेरे से 701 से 800 पूछ ले तो क्या आ जाएगा मेरा, 750 50। अभी समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जितनी डिजिट आप यहाँ पर लगा रहे हो 50 50 के आगे आपने वही लगा देना, वही उसका करेक्ट आंसर आएगा। किस टर्म में, जब मेरे से सम ऑफ नेचुरल नंबर पूछा जाए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे, ये मैंने लगा दिया है भाई, जिनको नोट्स मिलेंगे उनको ये सब सारी चीजें फ्री मिलेगी उसके साथ, ठीक है। जितने भी पीडीएफ्स रहेंगे सब मिलेंगे उनको, जो भी नोट्स लेंगे। 4th है, फाइंड द सम ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये 10 तक है। तो फर्स्ट एन,
फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर, और फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या था, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स था, ये था ना। एन कितना है मेरा, टेन है, ठीक है, टेन इंटू टेन प्लस वन कितना होता है, इलेवन होता है, ठीक है। टेन को टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, सिक्स से काटो इसको, टू थ्री टू फाइव थ्री सेवन, ठीक है, फिफ्टी फाइव इंटू सेवन, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, फाइव थ्री और ये थ्री एट, थ्री एटी फाइव इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर आपकी तभी अच्छी होगी, आप फास्ट कैलकुलेशन तभी करेंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन जब कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो तो आप यहाँ तक आए और फिर भी आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी, पूरा कंप्लीट सॉल्व करा करो, इससे ही आपकी जो प्रोसेस करने की जो पावर है वो आपकी डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द सीरीज ऑफ टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो टू से स्टार्ट हो रहा है, टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, मुझे पता है वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, और जब मैं टेन का स्क्वायर तक जाती हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, 385, हमने जस्ट कैलकुलेट किया 385 आता है। यहाँ पर लिखा है टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर और ये 20 तक आ गया है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं टू का स्क्वायर कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पर मेरा वन का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे मेरा टू का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे मेरा थ्री का स्क्वायर एंड यहाँ पे मेरा टेन का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो अब टू का स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 385 होती है, फोर इंटू 385, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, फोर कैसे आया, टू का स्क्वायर फोर होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, फोर फाइव जो ट्वेंटी जीरो फोर थ्री, और ये कितना आएगा, एक सेकेंड को, चार पाँच बीस जीरो तो हाँ 1540, कितना आंसर आएगा मेरा 1540, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, समझ में आ रही है ना सारी चीजें। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फाइंड द सम ऑफ वन का क्यूब प्लस, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नंबर कितना था मेरा, ये था मेरा एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इसका होल स्क्वायर था, ये फॉर्मूला था। एन कितना है मेरा, टेन है, टेन, टेन प्लस वन इलेवन होता है, डिवाइड बाई टू, और इसका फिर से स्क्वायर कर देना है मैंने, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा, टू से फाइव को, ठीक है, तो 55 का होल स्क्वायर करना है मैंने। अब होल स्क्वायर करना है, मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट का 25 आ गया, इसका 25 आ गया, एक क्रॉस लगाओ, 55 जा कितना होता है 25, 25 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो कितना आता है मेरा, 25 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 25 दूनी कितना आता है भाई, 50 आता है, ठीक है। तो 5 2 0 और ये 3, तो कितना आ जाएगा 3025, 6 का मेरा 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, आपको ऐसे अपने स्क्वायर करना है, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आपको वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं भाई, वो तो बेसिक करवाए मैंने आपको, यहाँ पर ऐसे सवाल कैसे पूछेंगे कि वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब, अब आपको 12 के क्यूब तक निकालना है, यानी कि ये है फर्स्ट एन का क्यूब आपको निकालना है और ये फर्स्ट एन का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, एन एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर स्क्वायर का क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स होता है, ये होता है, सभी को पता है स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है, बस आपने वैल्यू पुट करनी है, एन यहाँ पर मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप साथ के साथ पेन लेके बैठेंगे और करेंगे इस चीज को जब आप वीडियोस देख रहे होंगे, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 कितना होता है 13 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू 12 प्लस 1 13 इंटू 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 6, 6 से ये कट जाएगा मेरा 2, ठीक है, ये मेरा इससे कट जाएगा। आप क्या करते हैं, 13 6 जा कितना होता है 78, तो 78 इंटू 78 डिवाइड बाई 2 इंटू 13 इंटू 25, इसको आप काट सकते हो, यहाँ पे 13 से ये कट जाएगा, 13 छिक होता है ना, हाँ 78 होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा 2 3, ठीक है, अब मेरे को कट नहीं रहा मेरा क्योंकि 25 है ऊपर, ये कट नहीं रहा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगी 3 को
इससे। तो 3 8 कितना होता है, 24 का 4 2, 234/25। तो मेरा क्या आंसर आएगा, 234/25, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपने आज ढेर सारे और अटेंड करने हैं। आप कोई भी बुक ले सकते हो, गूगल से कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। तो भाई दो दो का तो सबसे इजी है भाई, आपका जो यूनिट डिजिट है वो इवन या फिर जीरो होना चाहिए, इसके बारे में तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। है ऐसी संख्या जिसका आखिरी का अंक या तो जीरो हो या फिर वो सम संख्या हो, तो वो दो से भाग हो जाती है। 3 का देखेंगे, तो जितनी भी संख्या आपको दी गई है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जितनी भी आपको डिजिट दी गई है, इन सब का जो जोड़ है वो 3 से भाजित होना चाहिए, है तो वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये है 153, 5 3 8 + 1 9, तो 9 9 मेरा 3 से डिवाइड है, इसलिए मेरी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का देखेंगे, तो जो आखिरी का जो 2 डिजिट है वो मेरा 4 से अगर डिवाइड है, तो वो संख्या मेरी पूरी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जैसे 348 है, 348 है, तो लास्ट के 2 डिजिट 48 है, ये मेरी 4 से डिवाइड है, तो मतलब 348 मेरा डिवाइड है। कोई भी संख्या हो, 7 2 4 5 6 2 8 9, और अगर लास्ट में मान लो 48 है, ये डिवाइड है, मतलब ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 5 का भी बहुत इजी है, लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 हो जाना होना चाहिए, वो आपका डिवाइड हो जाएगा। 6 का क्या होता है, 6 का आता है अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से डिवाइड है, तो फिर वो आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 2 से कैसे देखना है कि इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से कैसे देखना है कि उनका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर इन दोनों से डिवाइड है, तो वो संख्या आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे नेक्स्ट चलते हैं 7 का। 7 का आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 7 का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक सेकेंड रुकेंगे। चलो 7 का ध्यान में रखेंगे, कोई भी डिजिट है, ठीक है, मान लो 6 5 8 यहां पर मेरी डिजिट है, तो जो यूनिट डिजिट है ना, उसको मुझे 2 से करना है मल्टीप्लाई। तो 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, 16 आता है, और इसको घटाना है जो बचे हुए डिजिट है उसमें से। यहां पर मेरे पास बचा हुआ 8 को छोड़ करके सिर्फ 65 ही है, जितने भी डिजिट हो वो सब लिख लेना इधर, ठीक है। तो 65 - 16 कितना होता है भाई, 65 - 16 49 होता है। अब ये जो मेरा आया है, ये मेरा अगर 7 से डिवाइड है, तो मेरी वो संख्या डिवाइड है। ये या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, जो मेरा ये आंसर आया है, फिर वो संख्या मेरी 7 से डिवाइड है। समझ में आए सारी चीजें, ठीक है। 8 का देखेंगे, तो आखिरी के जो 3 डिजिट है, जब मैंने 4 का दिखा था, तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे डिवाइड होने चाहिए थी। 8 का जब मैं देख रही हूँ, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर मेरा 8 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या मेरी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 9 का देखें, तो इसका सम देखना आप, जितने भी डिजिट दी गई है उसका जोड़ जो है, अगर वो 9 से डिवाइड है, तो वो मेरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। 10 का तो ध्यान में ही नहीं रखना है, लास्ट डिजिट 0 है, तो फिर डिवाइड हो जाएगा। 11 का ध्यान में रखेंगे, कोई भी डिजिट है उसका सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट आपने करना है। इवन मतलब जो विषम संख्या, मतलब विषम प्लेस पर जो डिजिट रखी है उसको, अगर मैं इसे करके दिखाऊं तो ये देखो, ये है मेरा 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, ठीक है। तो जो मेरा ओड प्लेस पर रखा है उनका सम, और जो मेरा इवन प्लेस पर रखा हुआ इनका सम, इन दोनों को मुझे माइनस करना है, और माइनस करने के बाद अगर 0 आता है तो भी वो 11 से विभाजित है, अगर कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से भाग हो जाए, तो भी वो मेरा फिर कंप्लीट 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने इसमें इतना ध्यान में रखना है, ओके। 12 का देखते हैं, 12 का कैसे देखेंगे, नंबर शुड बी डिवाइडेबल बाय 3 एंड 4। जब मैं 6 कर रही थी तो मेरा 2 और 3 से डिविजिबल कंप्लीट देखा जा रहा था, 12 को देख रही हूँ तो मेरा 3 और 4, 3 4 3 4 12 होते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि वो संख्या मेरी 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और वो मेरी संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए।
13 की बात करें तो जो लास्ट के थ्री डिजिट है, लास्ट थ्री डिजिट टू फोर को फोर से मल्टीप्लाई करके बचे हुए डिजिट में जोड़ने पर 13 से विभाजित होता है। ठीक है, जैसे मान लो 13025 है, लास्ट का तीन डिजिट मेरा कितना है 026 है, इसको मुझे फोर से मल्टीप्लाई करना है, फोर से मल्टीप्लाई करने पर 104 आता है। इस 104 को इन तीन डिजिट को छोड़ करके जो भी बचे हुए डिजिट है, ये सिर्फ 13 है, इसमें डिवाइड इसमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी वो मेरी 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक तो 13 का ध्यान में रखना है, एक आपको 7 का ध्यान में रखना है, और एक आपको किसका ध्यान में रखना है, 11 का। बस ये तीन ध्यान में रखना है आपको, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 का क्या है, इवन डिजिट, इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस, तो फिर ये आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए है। ठीक है, 7 का क्या था, 7 का क्या था कि जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए डिजिट में से माइनस करना है, तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए है। 13 में क्या है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है उसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट यानी कि बचे हुए डिजिट में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, 13 में ओनली ऐड करना है। इसके अलावा एक नोट में है कि अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है बार बार तो फिर वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर रिपीट हो रही है बार बार, तो फिर वो डिजिट किससे डिविजिबल होगी, वो या 7 से भी होगी, 11 से, 13 से, 37 से, और 1001 से वो डिवाइड होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इतनी चीजें समझ में आई, अब करेंगे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ डैश सो दैट द नंबर इतना मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ये कह रहा है कि 84, भाई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ये मुझे 8 से डिविजिबल हो जाए, यहां पर क्या आएगा। अब आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर मेरे 8 से विभाजित है तो फिर वो पूरी संख्या विभाजित है, लेकिन यहाँ पे तो ब्लैंक दे दिया, तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पुट करके देख लूंगी। 796 करती हूँ तो क्या ये मेरा 8 से डिवाइड है, 72, 9 में से 2 क्या कितना होता है, 7 होता है, 76, नहीं ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। फिर मैं 2 करती हूँ, 296 को मैं 8 से डिवाइड करूँगी, तो ये कितना है, 8 3 24, और 24 जब मैं करती हूँ तो मेरा 5 बचता है, 8 7 56, हाँ ये मेरा हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपने ऑप्शंस को भी पुट करके अपने आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा। ओके, आगे मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर 2 निकल आया है सही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इफ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर डिविजिबल बाई 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये कह रहा है एक्स और वाई दो भिन्न पूर्णांक है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, एक्स की वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग है, दोनों इंटीजर है और दोनों जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये तो ऑब्वियस ही बात है एक्स और वाई जो है वो दोनों क्या होने चाहिए है, भाई 5 से विभाजित होने चाहिए है। ठीक है, अब वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, जितना भी बनता है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही बैठेगा, कौन सा ऑप्शन, तो हम ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। लेट्स से कि मेरी एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू मेरी 10 है, सबसे छोटे ही ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखना है क्या वो 5 से डिविजिबल है। एक्स की स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, वाई की स्क्वायर 100 होता है, जब दोनों को ऐड करूंगी तो 125 होता है, क्या ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट मेरा 5 है, इसलिए ये डिविजिबल है। ठीक है, तो मेरे से नो ट्रू पूछा है तो ये तो मेरा ट्रू है। ठीक है, दूसरा कह रहा है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, x मेरा 5 है, y मेरा 10 है, 10 में से 5 घटाऊंगी तो 5 आता है, 5 तो मेरा 5 से डिविजिबल है, तो ये भी मेरा ट्रू है। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 25, कह रहा है कि 10 माइनस 5 जो है मेरा वो मेरा किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए है, 25 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, 10 में से 5 का कितना आता है, 5 है, तो क्या ये 25 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, x प्लस वाई इज डिविजिबल बाई 10, तो देखो 10 और प्लस 5, 10 और प्लस 5 कितना होता है, 10 और प्लस 5 को डिवाइड करूंगी जब मैं किसे, 10 से, तो 15 बटे 10 ये नहीं होता है।
ठीक है, अगर मैं ये जो थर्ड मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं बताया कि यहाँ पर हो सकता है मैं इसकी वैल्यू भी बढ़ा करके ले सकती हूँ, तो उनका डिवाइड जो माइनस है वो मेरा निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल सकता है। 15 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 15 डिवाइड बाई 10 नहीं कंप्लीट डिवाइड होता। तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हो और मैं लिखना इसको भूल गई हूँ, बाकी इसका जो आंसर है वो एक्स प्लस वाई होगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। क्योंकि तो यहाँ पर अगर मैं 10 और 5 ले रही हूँ, लेट्स से कि मैं 10 5 ना लेकर के 1 मैं 10 ले लेती हूँ और 1 जो है मैं ले लेती हूँ, मान लो कुछ भी ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो 1 मैंने 10 ले लिया, 1 मैंने 60 ले लिया है, तो ये आ गया 50, दोनों का डिफरेंस, तो 25 से करूंगी तो 25 दूनी 50, ये तो हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है, ये तो डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 142 का स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 142 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको मुझे डिविजिबल बाई करना, किससे डिवाइड होगा ये, अब ये आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 142 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, 142 प्लस 1, ओके। यहाँ पर क्या है भाई, 141 और इनटू 143 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है किससे डिविजिबल है, तो एक तो मैं ये करूं कि मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं फिर एक एक से डिवाइड करके देखूं, वो बड़ा लेंदी हो जाएगा। एक मैं क्या कर सकती हूँ, 141 इंटू, आप अगर देख पा रहे हो तो ये 11 इंटू 13 है, क्योंकि मैं जब इसको 11 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितने पे जाता है, 1 पे, और फिर 11 3 33 13 पे जाता है। तो देखो क्या आ रहा है इसमें, 13, और ऑप्शन में भी 13 है, ठीक है, ऑप्शन में भी 13 है, तो ये किससे डिविजिबल है, ये मेरा 4 से यहाँ पर डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखेंगे, ये मेरा किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे आप खोल के भी इनको कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ नंबर, इतना नंबर है, इज डिविजिबल बाय 3, देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स। ये कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 3 से ये विभाजित हो रहा है, तो x के कितने पॉसिबल वैल्यूज मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। अब इसको सबसे पहले ना कैसे करेंगे, 4 5 6 7 8, x है 9 2 3 1। अब देखो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि मैं कितने वैल्यू यहाँ पर रख सकती हूँ, कितने वैल्यू रख सकती हूँ, वो मैं तब पता कर सकती हूँ जब मुझे ये देखना पड़े कि भाई इसमें कौन सा नंबर फिट बैठ सकता है। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालें, भाई 3 से डिविजिबिलिटी हम तब चेक करते हैं जब हम इनका सम निकालें। अब इनका सम निकालूंगी तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बड़ी बात तो नहीं रहेगी, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि हम हर एक डिजिट को अगर 3 से डिवाइड करके मैं उनको नेग्लेक्ट कर दूँ, जैसे 4 है इसको तो 10 से डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे कंप्लीट डिजिट देखने हैं। तो एक तो ये है 9, ये कंप्लीट डिवाइड है, इसको हटा देंगे, ये भी कंप्लीट डिवाइड है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई पेयर करके हो पा रहा है तो 2 प्लस 1 3, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। 3 का मुझे देखना है मल्टीपल, उसके बाद क्या कह रहा है ये, 8 और 4 12, हाँ 8 और 4 12, ये भी मेरा हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, 7 और 5 12 होता है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। और 3 भी हो, ये कंप्लीट डिवाइड करता है 6 को, तो मतलब मेरे सारे ही हट गए यहाँ से, सारे ही हट गए हैं मेरे यहाँ से, सारे हट गए हैं, मतलब x की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू मैं एक तो 0 रख सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा x को छोड़ करके सारा कंप्लीट 3 से डिविजिबल है, तो 0 रख सकती हूँ। x की वैल्यू मैं 3 भी रख सकती हूँ यहाँ पे, फिर डिविजिबल हो जाएगा। x की वैल्यू में 6 भी रख सकती हूँ यहाँ से, और x की वैल्यू में 9 भी रख सकती हूँ। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगी तो ये वाली भी कंप्लीट मेरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कितनी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम रख सकती हूँ, मैं यहाँ पर 4 रख सकती हूँ, 0 3 और 6 और 9, ठीक है। ऐसे करना आपने इन क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ऐसे ही क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए वो मैंने जो भी नोट्स वगैरह लेंगे ना, जिनको पीडीएफ मिलेगी उनको ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा चलो 13 है, इफ एक्स माइनस, अच्छा एक्स नहीं है, ये एक नंबर है 8 9 4 7 A 5 6 B 1,
इज डिविजिबल बाय 9, ये भाई पूरा 9 से डिविजिबल है. वेयर बी इज एन ओड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए. ये कह रहा है बी तो क्या है, ओड नंबर ही है, ए की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है ये मुझे बताना है. ठीक है, तो कितनी हो सकती है, तो कैसे पता लगाएंगे भाई, पहले तो मुझे ये देखना है कि 9 से ये कंप्लीट डिविजिबल है, और जैसे मैंने 3 को करके उनको नेगलेक्ट किया था, ऐसे ही इनको भी करके मैं नेगलेक्ट करूंगी, सबसे पहले हटाऊंगी इनको. ठीक है, तो देखो 9 तो पहले ही हट गया, 9 तो 9 से डिविजिबल है. उसके बाद क्या घट गया, उसके बाद मेरा पेयर और बना सकती हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 7 18, हाँ ये भी घट गया, 9 से डिविजिबल है ना 18, तो ये भी घट गया. उसके बाद क्या कह रहा है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है ये भी मेरा घट गया है. अब बचा कितना मेरा, बचा है मेरा ओनली 4, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बचा है, 4 बचा है, यानी कि 4 + a + b, ये बचे हैं मेरे. ठीक है, अब बी कह रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर है, तो बी ओड नंबर है मतलब क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, और 9 आ सकता है. बी के वाले तो मेरी इतनी ही आ सकती है, यहाँ पर 4 ही रहेगा क्योंकि 4 बचा हुआ है मेरा क्वेश्चन में. अब यहाँ पर ए मेरी कितनी पुट कर सकती हूँ मैं, कितनी पॉसिबल वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ, 4 + 1 = 5, यहाँ पर मेरा 4 आ सकता है क्योंकि 5 और 4 9 होते हैं, 4 और 3 7, बचेगा कितना, 2 बचेगा क्योंकि 9 से डिवाइड करना है, 5 और 4 9 ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो यहाँ पर मेरा 0 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है. ध्यान में रखिएगा, 0 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है. ठीक है, 0 करूंगी तो भी मेरा डिविजिबल है, 9 लिखूंगी इसके जगह तो भी मेरा डिविजिबल है. ठीक है, 7 और 4 11, 11 में कितना जोड़ू, 8 जोड़ू तो मेरा 9 आता है, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 में 5 जोड़ू तो मेरा 18 आता है. ठीक है, जो कि डिविजिबल है. तो अब इसको मुझे सम कर लेना है क्योंकि मुझे इसने सम पूछा है, सारे पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा है. तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है, 15 और 5 कितना होता है, 15 और 5 होता है 20, 20 और 8 कितना होता है, 28 होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, 28 होता है, ऑप्शन कहाँ है, 28 नहीं है, एक सेकेंड रुकिएगा, 4 और 1 = 5 और 4 9, 4 और 3 = 7 और 2 9, 5 और 4 9 = 7 और 4 11, अच्छा हाँ इधर 7 आएगा, ओके, यानी कि एक कम कर लीजिए, 27 इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है. ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को आपने बनाना है. समझ में आया भाई सारी चीजें, चलिए सब बता दिया इधर ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एन इज द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट प्राइम नंबर है. भाई प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो एक से या फिर खुद से, सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं. कह रहा है स्मॉलेस्ट 3-डिजिट प्राइम नंबर. अब 3-डिजिट तो मेरा 100 से स्टार्ट होता है, अब 100 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये तो मेरा इवन नंबर है, तो उसके बाद जो मेरा प्राइम नंबर होता है वो मेरा 101 होता है. ठीक है, क्या होता है, 101 होता है. ठीक है, 101 प्राइम नंबर होता है. जब मैं इसको 13 से डिवाइड दूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो ये तो सिंपल सी चीज है, 101 से 13 को डिवाइड कर लो, 7 से जा रहा है ये, हाँ 7 से जा रहा है ये. ठीक है, 13 7 से 91 होता है, कितना रिमाइंडर आएगा, 10 रिमाइंडर. ठीक है, बेसिक सा सवाल है, ओके बेसिक से, और फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द 9-डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, ये एक 9-डिजिट नंबर है, 83x936 78y, ये 72 से डिविजिबल है, देन आपको x और y की वैल्यू पहले निकालनी है और उसके बाद आपको ये वैल्यू निकालनी है. अब देखिए 72 कितना होता है, 72 होता है 8 × 9 होता है. डिविजिबिलिटी मेरे क्या थी भाई, 72 8 की डिविजिबिलिटी आप सभी को पता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, और 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि सारे जितने भी डिजिट है वो सब आपके 9 से डिवाइड होने चाहिए. अब सबसे पहले मैं 8 की डिविजिबिलिटी देखूंगी, 8 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो लास्ट के 3 डिजिट है वो मेरे किससे डिवाइड होने चाहिए है, 8 से डिवाइड होने चाहिए है. यहाँ से मेरी y की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, 7 8 और y, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा भाई, 8 × 9 = 72 होता है, तो ये कितने पे गया, 6, और यहाँ पर मैं कितना लिखूं कि मेरा 8 से ये डिवाइड हो जाए, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी तो 8 × 8 = 64 होता है, तो यानी कि y की वैल्यू मैं यहाँ पर कितना रख सकती हूँ, y की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 रख सकती हूँ.
ठीक है, y की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 4। अब मैं देखूंगी 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे सबका सम चाहिए, तो मैं नेगलेक्ट वाली चीज करूंगी, ठीक है, मैं पेयर करूंगी, अगर कोई 9 से डिवाइड है तो उसको कैंसिल कर दूंगी, बाकी मैं पेयर करके करूंगी, मतलब सम करके करूंगी। तो ये 9 है, ये हट गया यहां से, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कौन सा 7 और 6 13, एक सेकेंड रुकिए, 8 और 7 15, 6 और 3, हाँ 6 और 3 9, ये घट गया यहाँ से। उसके बाद क्या हटेगा, 8 और 8 16, 16 और 3 19, ये भी नहीं जा रहा है, हाँ 7 और 3 10, और ये 1 8, ये भी घट गया, बचा कितना मेरा, ओनली मेरा 8 बचा है, ठीक है, ओनली मेरा 8 बचा है, और इसके अलावा मेरा क्या बचा है भाई, 4 बचा है यहाँ पर इसके अलावा, ठीक है। तो 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, और 12 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा 9 से डिवाइड हो जाए वो, तो 12 में मैं 6 ऐड करूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसने मुझे पॉसिबल वैल्यू नहीं पूछी है वाई की, ठीक है, इसने मुझे कहा है कि वाई से डिविजिबल हो जाए, इसलिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 12 और 6 18, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई है, 6, और वाई की वैल्यू मेरी 4 निकल के आ गई है। अब इसमें रख लूंगी मैं 3x-2y में, एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 3 18, वाई की वैल्यू 4 है, 2 4 8, कितना आंसर आएगा मेरा, 18-8 10, आंसर क्या आ जाएगा, 10 मेरा इज द राइट आंसर, ठीक है। पर फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मैं 8 की डिविजिबिलिटी से निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे लास्ट के 3 डिजिट पता होने चाहिए 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो डिवाइड करने पर ये सबसे मेला पहले मेरे 9 पे जाता है, 8 9 72, उसके बाद ये 6 रिमाइंडर बचता है, और 6 में मैं कितना जोड़ू कि मेरा 8 से डिवाइड हो जाए, तो मैं इसको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी, 4 64, 8 के टेबल पे आता है, तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी निकल जाती है, 4 निकल जाती है। अब यहां से एक तो मैं इन सबका सम करके फिर इसको डिवाइड करूँ, जो कि मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा कर भी सकती हूँ एक्स को हटा करके, लेकिन वो फिर मेरा लंबा पड़ जाएगा, तो आप वो तरीका भी अपना सकते हो, आप ऐसे भी टर्मिनेट कर सकते। ओके चलिए, ये क्वेश्चंस हो गए यहां से, तो आज की इस क्लास में इतना ही था, हमने यहां पर ये सारी चीजें देखी, नेक्स्ट क्लास में और कुछ कंसेप्ट को देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम के ही रहेंगे, ठीक है, आंसर की भी आपको मिल जाएगी जब आप पेड नोट्स यहाँ पर लेंगे, जिसकी वीडियो मैं आज ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि पेड नोट्स आपको कैसे सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है, नोट्स आपके पेड रहेंगे, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ठीक है, आपको एक सम हल्का सा अमाउंट आपको पे करना है इसमें, उसके बाद आपको सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और शाम तक मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगी कैसे आपको क्या करना है, क्या चीज़ें मिलेगी नोट्स के अंदर, क्या क्या शामिल है, सब चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।